दूसरे प्रश्न में क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, कितने रुपए में, 3900 रुपए खर्च किए, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। 3 क्या खरीदे, बल्ले, और 6 खरीदी गेंद। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ला और खरीदा और फिर क्या किया, 3 गेंदें भी खरीद ली, और उसने कितने में खरीदी, 1300 रुपए में खरीदी। समझे, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसमें मैं व्यक्त करना पड़ेगा, तो मैंने बोला था कि समय इसमें कम लगेगा, समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यामितीय रूप में करने में थोड़ा समय लगेगा। तो देखो यार, पहली बात तो है कि बल्ले जो है आपको कितने खरीदे हैं, 3 है, 6 कितनी खरीदी गेंद, बल्ले का दाम नहीं पता है। तो जो नहीं पता उसको मान लेते हैं, मान लिया बल्ले का जो दाम है वो है एक्स, तो बल्ले खरीदने में कितने पैसे दिए होंगे, 3x दिए होंगे, और गेंद का जो दाम है मान लिया हम लोगों ने वाई है, तो गेंद खरीदने में कितने पैसे दिए होंगे, 6y, 6 क्यों, चूंकि 6 गेंद है और एक गेंद का जो है वो हम लोगों ने माना हुआ है वाई, यानी कि एक्स क्या है, एक्स एक बल्ले का दाम है, सारे बल्लों का नहीं है, एक बल्ले का। और वाई एक गेंद का दाम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो आपने 3 बल्ले खरीद लिए और 6 गेंद खरीद ली, तो आपने कितने पैसे दिए, 3900 रुपए दिए, ठीक। ऐसे ही आपने यहां पर रुपए लिखना चाहो, नहीं लिखना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट कटेगी नहीं, वो रुपए का रुपए आ जाएगा, वास्तव में तो लिख देना चाहिए जब एकदम सही कर रहे हो तो। दूसरा क्या हो गया, और सिर्फ अगर आप मैथ्स की इक्वेशन देखना चाहोगे तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है, दूसरे में आपने एक बल्ला खरीदा तो एक्स में एक से गुणा करोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आपने 3 गेंद खरीदी तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 1300। ये आपका बीजगणित वाला रूप हो गया, क्या हो गया, बीजगणित का रूप हो गया। उन्होंने बोला सिर्फ लिखो, हल करने की बात हमसे नहीं की है, यही बोला है ना, उन्होंने बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, हो गया। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे बताइए। ज्यामितीय रूप में हमें पता है कि हम लोग फिर रेखाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, रेखाओं का, तो रेखाओं का प्रयोग कर देते हैं। चलिए ये तो समझ लीजिए, आप पहले आपने ये समझ लिया, अब हम लोग इन्हीं का रेखाओं में ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए कुछ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। देखो, तो हम लोग बीजगणितीय रूप में तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब क्या करते हैं, इन दोनों को रेखाओं की तरह से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा क्योंकि रैखिक समीकरण है, हमको इतना तो अब तक समझ में आ चुका है। तो क्या करते हैं, पहले वाले में हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो एक तो यार आसान चीज है, देखो समझो, ये जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी, अभी आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन जो स्मार्ट तरीका है वो समझो, मैंने बताया था कि इसी रेखा का नाम क्या हो सकता है, x प्लस वाई बराबर 1 भी हो सकता है, और साथ में इसी का नाम 2x धन 2y बराबर 2 भी हो सकता है, पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर आपको ये रेखा दे रखी है तो आप इसमें 2 से भाग भी दे दोगे पूरे में, 2 से 2x में भाग दोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, फिर यहां पर y मिलेगा, फिर यहां पर 1 मिलेगा, वही तो ये रेखा है, तो रेखा बनाने में कोई अंतर नहीं आएगा, और इसलिए यहां पर मुझे दिख रहा है कि यार 3 से भाग दिया जा सकता है, तो 3 से भाग दे लेंगे तो काम अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आसान कैसे हो जाएगा, आसान ऐसे हो जाएगा कि वास्तव में आपने 3 से भाग दिया तो आपको मिलेगा x इस वाले में, फिर आपको यहां पर क्या मिलेगा 2y, यहां पर आपको मिल जाएगा 1300। बना के कैसे देखेंगे, ये आपका हो गया क्या y अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया x अक्ष हो गया। अब इसमें हम लोग बड़े बड़े मान लेंगे क्योंकि 1300 की बात हो रही, 13 की बात तो हो नहीं रही, तो बड़े बड़े मान लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपने पहले वाले समीकरण के लिए, ये जो पहला समीकरण था तो ये भी पहला ही है और ये आपका दूसरा है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने दूसरी तरह से लिख दिया। यहां पर क्या कर देते हैं, x का मान कुछ रखते हैं, y का कुछ मान रखते हैं। अगर आपका x का मान कितना है, अगर आपका मान x का 300 है, कितना 300, कोई दो बिंदु चाहिए, रैखिक है, दो बिंदुओं को मिला दोगे सीधा सीधा, उसी को आप आगे बढ़ा दोगे तो रेखा बन जाएगी। तो अगर x 300 रखोगे यहां पर तो ये 300 उधर जाएगा, 1000 बचेगा, तो y आपको कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, ठीक। अब दूसरी बार आपने क्या किया, दूसरी बार आपने कहा कि ऐसा करते हैं यार, इस बार 300 तो रखा था, इस बार 900 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 900। अगर आपने y का मान 900, x का मान 900 रख दिया तो y आपको मिल जाता है 200। कैसे मिल जाता है, ये 900 रखोगे इधर जाएगा, 1300 में से 900 घटेगा, 400 रह जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 400 को तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, तो y आपका 200 हो जाएगा। तो इसमें y को हम लोग ये 100 मानते हैं, इसमें 100 100 बना करके चलते हैं, 100 200
300, 400, 500, 600, 700, ठीक। यही थोड़ा सा एक स्मार्ट चीज हो सकती है कि यहां पर मैं स्केल बढ़ा कर देंगे, आप एक एक सेंटीमीटर रखोगे तो 100 तो पूरी कॉपी खत्म हो जाएगी यार, पहुंचोगे नहीं वहां तक। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे मैं इधर भी बना देता हूं, ठीक है। एक्स जब आपका कितना है, 300 है, एक्स 300 देखो यहां पर है, ठीक, ये है 300, तो वाई क्या है, वाई आपका 500 हो रहा है यार, 500 ये मिलेगा आपको, ठीक। तो यहां पे कहीं पर एक बिंदु मिल गया, अब दूसरा बिंदु कहां पर मिल रहा है, देखो ये इसकी सीध में भी है और इसकी सीध में भी है, दूसरा कहां पर मिल रहा है, 900 है तो 200 है, 900 क्या है जब एक्स, तो देखो 700 तक ही हम लोगों ने बनाया था, 800, 900, ये क्या हो गया 800, ये हो गया आपका 900, तो जब एक्स है 900 तो वाई कितना मिल रहा है 200, तो एक तो 200 की सीध में चले जाओ, ठीक, और 900 की सीध में चले जाओ, तो ये जो बिंदु है आपको मिल गया क्या 900, और ये बिंदु मिल गया 900 और 200, यही तो है। अब इन दोनों लाइंस को आप मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो जो लाइन बनेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही लाइन हो जाएगी आपकी जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी थी। अब ये लाइन वास्तव में क्या है, ये पहली वाली ही है, तो इसको आप एक्स धन दो बाई 1300 भी लिख सकते हो, दो बाई बराबर 1300 भी लिख सकते हो, और साथ में क्या लिख सकते हो, 3x धन 6y बराबर 1300 की जगह 3900, क्योंकि आपने 300 गुणा कर दिया और आपको वास्तव में स्टार्टिंग में यही मिला था, तो ये आपकी लाइन हो गई, पहला समीकरण की लाइन हो गई। अब दूसरे वाले की देखते हैं, दूसरे वाले में क्या करना है यार, दूसरे वाले भी देखने में तो काफी कुछ वैसा ही लग रहा है, यहां पर एक्स है, यहां पर 2y है, ठीक, पहले वाली हो गई। अब ये वाला इसमें एक्स धन 3y है, तो अगर एक्स आप 100 रखोगे, कितना रखोगे 100, तो y जो आपको कितना मिल जाएगा, y आपको मिल जाएगा 400, कैसे 100 रखा है यार, 100 इधर जाएगा 1200 हो जाएगा, तो 3 से 1200 में भाग दो कितना हुआ, 3 6 12 400 मिलेगा, तो आपको एक तो ये सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, x और y है, कुछ दूसरा रख करके देखते हैं, x आपने रखा कितना, x आपने रखा 400, देखो मैं अभी इसलिए ऐसे मान रख रहा हूँ कि मैं दिख जा रहा है कि पूरा पूरा हो जाए, जैसे कि आसानी से ड्रॉ हो जाए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपने जब 400 रखा तो ये इधर जाएगा, तो 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 900 बचेगा, तो y रह जाएगा 300, ये दो मान मिल गए। तो जब x 100 है तो y 400 है, तो x 100 आपने यहां पर है, y कितना है 400, और देखो यहां पर मैंने निगेटिव कुछ बनाया ही नहीं है, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं निगेटिव वैल्यूज ले ही नहीं रहा हूं, कुछ पॉजिटिव ही ले रहा हूं, और वास्तव में एक और बताऊं ना, यहां पर बल्ले और गेंद खरीदी गई है, तो निगेटिव में तो खरीदी नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बल्ला भी दे रहा है और 5 रुपए भी दे रहा है, या 500 रुपए दे रहा है, कि आप बल्ला भी ले लो सर और 500 रुपए भी ले लो, तभी तो निगेटिव आएगा, तो व्यवहारिक जीवन में भी यहाँ पर निगेटिव आएगा नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने जो पूरा यहाँ पर समतल बनाया, कार्तीय तल बनाया, उसमें हम लोगों ने निगेटिव वाले मान लिया ही नहीं है, सिर्फ धनात्मक वाई दिशा जो थी ना उसका मान लिया है और धनात्मक एक्स का मान लिया है, ठीक। चलिए वापस आ जाते हैं, 100 है तो 400 मिल रहा है क्या, जब 100 है एक्स तो वाई मिल रहा है आपको 400, यानी कि एक तो ये बिंदु मिल गया। दूसरा क्या मिल रहा है, देखो दूसरा आपको मिल रहा है जब एक्स है आपका 400, कितना है 400, तो y आपको मिल रहा है 300, यानी कि ये मिल रहा है, ठीक है, समझ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो, ये देखो 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये इधर आ गया। अब आप इन दोनों लाइंस को मिलाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये लोग दोनों लाइंस जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के कट करेंगे, और वास्तव में देखो ना आप सही से देखो तो आपको दिख जाएगा, क्या दिख रहा है, यहां पर यार x धन 3y 1300 है, यहां पर x धन 2y भी 1300 है, इसका मतलब जो y है उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैसे नहीं पड़ रहा, देखो देखो x धन 3y कितना है 1300 है, और x धन 2y भी 1300 ही है, अगर आप दोनों को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा y, और ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि गेंद जो है वो फ्री में मिल रही है, ऐसा हो गया है, और सिर्फ बल्ले के पैसे लग रहे हैं, तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो x है वो आपका 1300 हो जाएगा, सीधा सीधा है, यानी कि बल्ले की कीमत 1300 हो गई, तो y आपको 0 मिलेगा, तो वास्तव में ये पता कहां पर कट करेगा, ये x अक्ष पर कट करेंगे, तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी, कैसी बनेगी ऐसी, ये आपको हो जाएगा x एक्सिस, समझने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि x अक्ष पर जो y है वो शून्य होता है कि नहीं होता है, और यहां पे देखो y जो है वास्तव में शून्य आ रहा है, शून्य क्यों आ रहा है, गेंद फ्री में मिल रही है, वो कह रहा है कि बल्ले ले जा रहे हो आप, तो आपने ऐसा क्या होगा कि 3 बल्ले खरीदे तो उसने बोला कि आप 6 गेंद ले जाओ, 1 बल्ला खरीदा तो बोला कि ठीक है 3 गेंद ले जाओ, है ना, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, वो गेंद फ्री में दे रहा है, तो जो भी उसकी स्कीम हो, फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है कि जो वाई है वो शून्य हो जाएगा, और वाई शून्य होता है आपका एक्स एक्सिस पर, तो काफी गंदा बन गया है,
जिसको डाउट हो रहा है मैं बता देता हूँ, एक्स एक्सिस को आप यहाँ से हटा दो, एक्स को आगे बढ़ा दो, क्योंकि रेखा तो कहीं तक भी जा सकती है, और क्योंकि ये वाली जो रेखा है वो 3x + 6y = 3900 की थी, ये हमें करना भी नहीं था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल कर दिया, हमें तो सिर्फ बना करके दिखाना था। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा हो जाएगी आपकी x धन कितना 3y = 1300, ये आपकी दूसरी वाली रेखा हो गई, ये वाली। तो आपने दोनों का ज्यामिति निरूपण कर दिया, और अगर आप इसको सही से बनाओगे, देखो इन्हीं दोनों को मैं सही से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक, ये मैं बना नहीं रहा हूं, मैंने आपको बना दिया, लेकिन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सही से बना हुआ है, वहां पर आपको दिख भी रहा है कि देखिए वाई पर ही कट रहा है, ठीक। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।